ये क्या है भाई साहब, ये टेबल इतना गंदा क्यों है? तो चलो साफ करते हैं इसे। 3, 2, 1, बूम। रबर मैट्स। तो भाई साहब मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसलिए आज हम थोड़ी शॉपिंग करने जाने वाले हैं। कुछ चीज़ों से मेरा मतलब है दो ही चीज़ें। तो पहली चीज़ जिसकी मुझे अभी बहुत ज़रूरत है वो है एक कैप की। हाँ मैं जनरली वैसे कैप वैप तो पहनता हूँ नहीं, लेकिन इस बार के हेयर कट के बाद पता नहीं क्यों मेरे बाल बहुत ही अनमैनेजेबल रहने लगे हैं। तो अभी ब्लॉग बनाना है तो थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना पड़ेगा, तो बालों को छिपाने के लिए मुझे एक कैप की ज़रूरत है। और कैप में भी मुझे कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं चाहिए, तो सिंपल एक ब्लैक कलर का कैप चाहिए, बस वो मिल जाए कहीं। वैसे इस बार का हेयर कट मुझे ज़्यादा पसंद आया नहीं, क्योंकि इस बार जब मैं सैलून गया था तो जिनसे मैं रेगुलरली हेयर कट करवाता था वो वहाँ पर मौजूद थे नहीं, तो मुझे दूसरे बार पर से कट कराना पड़ा, तो उस चक्कर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। और उसके बाद दूसरी चीज़, इसमें तो आप पहचानते हो, तो आप कुछ हफ्ते पहले की बात है, मैं कहीं बाहर निकल रहा था और तो भाई साहब अभी अभी जस्ट हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो चुका है। और ये देखिए आप, तो दरअसल हुआ यूँ कि मैं ड्रॉअर से चश्मा निकाला और यहाँ पर बेड में ऐसे रख दिया था, मैं वीडियो शूट करते करते यहाँ पे आके बैठ गया, इसलिए इसका ऐसा कुछ हालत हो गया। मैंने सोचा था पूरा टूट ही जाएगा, फिर भी बचा है। है नहीं, था, अब वो भी टूट चुका है। और इसका दूसरा वाला डंडा भी किधर है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन भाई साहब ये जो सनग्लासेस थे मुझे बहुत पसंद थे, तो मुझे ऐसे टाइप का ही डिट्टो सनग्लासेस कहीं से भी चाहिए। वैसे ये सनग्लासेस मैंने खरीदे थे जब मैं इको रिट्रीट गया था, एंड आई गेस इसका प्राइस कुछ 100-150 ही था। वैसे अभी मैं सोच रहा था कि काश जब मैं इको रिट्रीट गया था तब ब्लॉगिंग कर रहा होता। तो हाँ जी, हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत है, तो शॉपिंग करने जाना है। लेकिन बाहर जाने से पहले आज मौसम विभाग से रिपोर्टर साहब आए हैं, तो ट्रेनिंग ओके, चेक चेक। नमस्ते जी, मैं हूँ शुभम पांड्या, मौसम विभाग से रिपोर्टिंग फ्रॉम संबलपुर, और आज हम आपको संबलपुर में मौसम की जानकारी देने आए हैं। तो दर्शकों, आज सुबह से संबलपुर में बहुत ही अप्रत्याशित वेदर की सूचना मिली है। क्रिकेट की तरह पल पल में बदल रहा है मौसम का रंग, मानो एक पल में एकदम धुआंधार बारिश तो दूसरे पल में छा जा रहा है शांति का लहर। तो इस बदलते मौसम में संबलपुर की आम जनता हो चुके है एकदम परेशान, यहाँ तक कि संबलपुर के मशहूर ब्लॉगर शुभम पांड्या भी हो चुके हैं इस अप्रत्याशित मौसम का शिकार। तो दर्शकों, अभी तक के लिए यही सब जानकारी सामने आ रही है, तो आगे आप बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए मैं रिपोर्टर शुभम पांड्या, कैमरामैन ट्राइपॉड लाल के साथ संबलपुर तक। तो हाँ जी, जैसा कि आपने रिपोर्टर साहब से सुना, आज संबलपुर में मौसम बहुत ही अप्रत्याशित है, तो ऐसे में बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट जैसे तैसे करके हमें जाना तो है, क्योंकि अभी थोड़ी कंटेंट की कमी चल रही है। तो बस अभी देखते हैं, आई थिंक शाम तक तो डेफिनेटली बारिश कम हो गई रहेगी, तो फिर हम सीधे शाम को चलेंगे आराम से 4-5 बजे के आसपास, क्योंकि भाई साहब अभी संबलपुर में जो लॉकडाउन का टाइम था वो एक्सटेंड हो चुका है, तो आजकल संबलपुर में सारे दुकान 8 बजे तक खुले रहते हैं, तो फिर उसका भी कोई टेंशन नहीं है। तो भैया जी, अरे अरे, फाइनली घर के बाहर तो आ चुके हैं, शाम के 6 बजे होंगे आसपास, और अभी बारिश पूरी बंद नहीं हुई है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग अभी भी हो रही है। वैसे अभी मैं गोल बाजार के अंदर आया हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पर किसी दुकान से तो जाके कैप ढूंढना है। तो भाई साहब मैं ब्लॉग करते करते थोड़ा आगे चला गया था, और यहाँ पर ही एक दुकान है, तो शायद से यहाँ पर हमें कैप मिल सकता है, तो जाके देखते हैं। बारिश हो रही है वैसे। ब्लैक कैप।
ओके तो नहीं मिला यहाँ पर। पर एक दुकान है, मे भी यहाँ पर मिल सकता है। क्या यार, आज घर से ब्लॉग बनाने के मूड में निकला था, लेकिन अभी जो ड्रिजलिंग टाइप की बारिश हो रही है ना, ब्लॉग बनाने का पूरा मूड खराब कर दिया। जस्ट एक सिंपल ब्लैक कैप चाहिए था यार, वो भी नहीं मिल रहा। थैंक गॉड मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ है, तो बारिश में थोड़ा थोड़ा सूट तो कर पाऊंगा एटलीस्ट। वैसे अभी बारिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम मैं अभी रह पाऊंगा। मैं ग्लासेस भी लेने हैं, तो सन ग्लासेस ही कहीं से ढूंढ लेता हूँ, एटलीस्ट वो तो मिल जाए। तो मुझे जैसा टाइप का ग्लासेस चाहिए था वो मिल तो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि घर से लाना पड़ेगा, तो अभी मैं उसी के लिए रुका हूँ। तो वैसे अभी जो हुआ सो, लेकिन एटलीस्ट मुझे चश्मा तो मिल गया। और यहाँ पर मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि सामने जलेबी पकौड़ी की दुकान है। जलेबी और पकौड़े लेके घर जाऊँगा, फिर आएंगे मौसम का लुक उठाते हुए। 10-10 का होगा, 10-10 का नहीं लेके जाना। इतना ही 10 का, तो 20 का दे दीजिए। लाइट ही ऑन नहीं किया था, क्या यार। लाइन भी अभी शायद से चला गया है, लाइन भी नहीं है। आज पहुंच गए घर। मानो एक पल में धुआंधार बारिश तो दूसरे पल में छा जा मानो एक पल में एकदम धुआंधार बारिश तो दूसरे पल में छा जा रहा है शांति का लहर। लहर नहीं, कहर।